हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे जो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो गाइस। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया है और हमारे हमको मतलब हमें प्ले बटन भी मिल चुका है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ एक टेक चैनल बनाने के लिए, इस पर मैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, आप चाहते हो, तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं ताकि आप लोग कमेंट देखूंगा तभी तो चैनल बनाऊंगा ना। तो यार आप लोग मुझे बता देना ज़रूर से। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। वीडियो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बीट में आंसर के बीट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, वीडियो एडिट करने के लिए आपको बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। यहाँ पर एक फ़ोन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है लेमन मिल्क बोल्ड। ये आपको मटेरियल्स वाले लिंक में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, इंपोर्ट कर लेना। तो सभी फ़ोन जो मतलब जितना भी टैग्स है ना, सभी में एक ही फ़ोन लगेगा, तो फ़ोन इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है डायरेक्टली यहाँ पे। ओके, 15.27 सेकेंड वाले बीट मार्क पे, यहाँ पे आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, एंड मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो, सिंपली आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। एंड जो भी फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो, सिंपली आपको उसको एड करना है। तो फोटो ऐड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, एंड इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरा फोटो को ऐड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। तो फिर से प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे आपको फोटो को ऐड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके फोटो को ट्रिम करना है। सो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो लास्ट तक सभी फोटोज को ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो गाइस सभी फोटो को मैं लास्ट तक ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। ओके, तो आप भी पहले फोटोज को ऐड कर लो, और गाइस फोटो जो ऐड करोगे लास्ट का जो एक बीट मार्क का गैप है इसको छोड़ देना। इसमें आप फोटो ऐड मत करना, बिकॉज इसमें आप लोग देख सकते हो फ्लैश है, तो आपको इसमें फोटो ऐड नहीं करना है। एक बीट मार्क को छोड़ देना है, 29 सेकंड तक ही फोटो ऐड करना है। ओके, अब जैसे फोटो ऐड कर लोगे, यहाँ सबको बैक आना है एंड सेक्रीफाइट प्रोजेक्ट को ओपन करना है। आपको यहाँ पे पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, जो कि एक नंबर के नीचे लिखा हुआ है। इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर बैक आना है, यहाँ से बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पे टैग्स को स्किप करके आगे चले जाना है, और जहाँ पे आपका फोटो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आ जाना है। पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है इस प्रकार से। ओके, सो एक फोटो में हमने इफेक्ट को पेस्ट कर दिया। अब गाइस क्या करना है, आपको जस्ट इसके आगे वाले फोटो को छोड़ देना है, एंड ये जो फोटो है 18 सेकंड, इसमें आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके, इस प्रकार से, एंड फिर एक फोटो को छोड़ देना आगे वाला, एंड उसके आगे जो फोटो है इसमें इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करते रहना, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ओके, जैसे कि आप लोग दे सकते हो, तो एक फोटो को छोड़ना है, एक फोटो में पेस्ट करना है, और लास्ट वाला फोटो हमारा इफेक्ट पेस्ट इस प्रकार से इसमें ये वाला होगा। तो इस प्रकार से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, एंड फिर यहाँ सबको बैक आ जाना है, एंड सेकंड प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और सेकंड नंबर का जो इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना है। फिर कॉपी करने के बाद बैक आना है यहाँ से, एंड बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और फिर से आपको फोटो के पास चले जाना है। और जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या, जो बचा हुआ फोटो है ना, सिंपली आपको उन सभी फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके, तो ये हमारा बचा हुआ फोटो, इसमें हम इस पेज को पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो इस प्रकार से आपको पेस्ट है यहाँ पे करते रहना है। तो जितना भी बचा हुआ फोटो है ना, सिंपली सभी फोटोज़ में आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लास्ट सभी फोटोज़ में जो बचा हुआ फोटो है इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और ये मैंने पेस्ट कर भी दिया, जैसे कि आप लोग दे सकते हो, एक यहाँ पे हो गया है। ओके, अब इसे इतना कर लोगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बैक आ जाना है यहाँ से, एंड सेकंड फिर प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर का जो 4 लेयर इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक करके कॉपी 4 लेयर कर लेना है। फिर बैक आना है यहाँ से, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट 4 लेयर कर देना है। फिर आपको स्लाइड करके लास्ट में चले जाना है। सॉरी गाइस, आपको यहाँ से पेस्ट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, आपको अगर मतलब इस प्रकार से स्लाइड करके आगे चले जाना है, और जहाँ पे आपका फोटो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे 15.27 सेकंड पे यहाँ पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, पेस्ट 4 लेयर पर, और इसको पेस्ट करना है, जिससे कि इसका लेंथ ऑटोमेटिक लास्ट तक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को स्पोर्ट पे क्लिक करना है। ये हमारा शेयर का आइकन का है, ओके, और यहाँ पे स्पोर्ट कर देना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना।